तो बोला नहीं औकात है तो क्यों चले आए दुकान पे। और औकात नहीं है क्रिकेट किट खरीदने की तो क्यों चले आते हो मुंह उठा के। सोमनाथ सिंह जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है, जब अपने बेटों के लिए क्रिकेट किट खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये सुनने को मिलता है। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने दोनों बेटों को एक साथ दो क्रिकेट किट खरीद के दे सकें, लेकिन एक सपना जरूर था, सपना उन्हें बड़े लेवल पर खेलते देखने का। उनका ये सपना पूरा किया है उनके बेटे कार्तिकेय सिंह ने। कार्तिकेय सिंह जो कि इस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, उनके सिलेक्शन के बाद घर वालों की खुशी का अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना हम। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर इस लेवल तक पहुंचना और पूरे भारत को अपने पहले ही मैच में अपने खेल का जौहर दिखा देना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई इंडियंस का ये यंग सेंसेशन कार्तिकेय सिंह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करता है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू करते हुए कार्तिकेय ने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर संजू सैमसन का विकेट अपनी झोली में डाल दिया। आपको बता दें कि कार्तिकेय पिछले 9 सालों से अपने माता पिता से नहीं मिले। वो घर से दूर रहकर छोटी मोटी नौकरियां करके अपने क्रिकेट के खर्चों को निकालते थे। अब इस आईपीएल के खत्म होने के बाद वो अपने घर 9 साल बाद वापस जाएंगे। त्याग क्या होता है आप इस युवा खिलाड़ी से सीख सकते हैं। कार्तिकेय के लिए आईपीएल तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनके क्रिकेट खेलने की शुरुआत कानपुर से हुई थी, पर यूपी से खेलने के दौरान उन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने गौतम गंभीर, अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को तराशने वाले कोच संजय भारद्वाज जी की अकेडमी में किस्मत आजमाई, पर वहाँ उम्मीद के मुताबिक उनका कैरियर ग्राफ ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी कार्तिकेय ने हार नहीं मानी। इसके बाद कार्तिकेय ने मध्य प्रदेश का रुख कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने मध्य प्रदेश की रणजी टीम में जगह बनाई। ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने उन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया था, लेकिन मेन स्क्वाड में शामिल नहीं किया। कार्तिकेय सिंह 28 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की टीम में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर जुड़े थे। उन्हें बाएं हाथ के पेसर मोहम्मद अरशद खान के चोटिल होने की वजह से टीम में मौका मिला। कार्तिक को 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर टीम में जोड़ा गया है, और अब इस खिलाड़ी ने इतना त्याग, परिश्रम और बलिदान दिया है तो फल तो जरूर ही मिलना था। हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी अपने आने वाले समय में सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुए। आप क्या कहना चाहेंगे मुंबई के इस यंग सेंसेशन पर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले बेल आइकन को न दबाने की मिस्टेक गलती से भी ना करें।